सभी को जय श्री राम। हमारे भाइयों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। सबको पता था, प्रशासन के पास सूचना थी कि विश्व हिंदू परिषद की साल में एक बार मेवात की यात्रा निकलती है। क्या हम अपने देश में इस तरह से बैठ जाएं कि हम अपने मंदिरों के दर्शन नहीं कर सकते? मेवातियों के ने पहले से प्लान करके रखा था, व्हाट्सएप चैट है इनकी, कि इनकी पूरी स्ट्रैटेजी थी कि इन्होंने दंगे करने हैं। हमारी बहनों के साथ में वहां पे छेड़छाड़ की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, भाइयों को गोली मारी गई है, बड़े बूढ़े माताएं बहनें जो बसों में थी उन बसों में आग लगाई गई है। मैं आज की बात कर रही हूँ 31 जुलाई 2023, अभी दंगे जारी है, भाइयों को गोली लगी है, मर रहे हैं वो वहां पे, लेकिन उनके पास में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास कोई सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, रो रहे हैं हमारे भाई। क्या यही चाहती है सरकार? इसीलिए हम लोग बीजेपी को सब पावर में लेके आते हैं कि हम अपने मंदिरों में दर्शन करने से पहले तो याचिका दें कि हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। उस याचिका के बाद भी प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। क्या चाहता है प्रशासन? यही चाहता है कि सारे हिंदू काटे जाए, मारे जाए। ये इसी दिन को देखने के लिए हम लोग बीजेपी को शासन में लाते हैं, इसीलिए हम इलेक्शन में भाग लेते हैं और बीजेपी को जिताते हैं। हम किसके भरोसे रहे अगर प्रशासन इस तरह से मूकदर्शी बनकर बैठा रहेगा? वहां पे एक एम्बुलेंस नहीं जा पा रही, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, ब्लॉक है हमारे भाई वहां पे, और पुलिस प्रशासन के नाम पे सबके सब हेड डाउन करे बैठे हुए हैं। वी ऑल हैव टू डू समथिंग, वी कांट जस्ट सिट वेटिंग एंड वॉचिंग कि गवर्नमेंट कुछ करेगी। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, गवर्नमेंट नपुंसक हो चुकी है, छक्के बैठे हैं यहाँ पे, हिजड़े बैठे हुए मुझे लगता है। और अब हम सबको कुछ करना पड़ेगा, वी ऑल हैव टू कम ऑन ग्राउंड, हम चक्का जाम करेंगे। जय श्री राम, जय हिंद। ये देख, हेलो, कंट्रोल चल रही गाड़ी और ना धोयो रही आई मार गोबर कर। भाई लाइव चल रहा है, वो देखो हमारे हिंदू भाई को मार दिया गोली और वो लेके जा रहे हैं पुलिस प्रशासन। ये देखो वो लेके जा रहे हैं, आप ले जाके, आप 5 घंटे हो गए अब। और ये फायर ब्रिगेड आई है अब यहाँ पे, जो गाड़ी है वैसे तो सब तबाह हो गई है, लेकिन अगर आग वाग मुझ जाए तो कुछ कंट्रोल में हो, रास्ता खाली हो जो हम लोग निकले, क्योंकि इधर से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये इधर से एक रास्ता है बस, ये सिंगल रास्ता, और फिर इस साइड जाना, सिंगल एक रोड है बस यहाँ से, और चारों साइड देखो पहाड़ है, तीनों साइड बस सिंगल एक साइड खाली है ये। सारे भाइयों को जय श्री राम। जो कल हरियाणा में मेवात वाला घटना हुआ था उसमें मैं भी शामिल था, मैं भी वहाँ दर्शन करने गया था, मेरे साथ भी मुसलमानों ने मेरे पे हमला किया, मेरे से हाथापाई भी हुई कुछ मुसलमानों की, और गोली भी चलाई मेरे ऊपर नहीं, तमाम जो वहाँ पे सारे श्रद्धालु गए हुए थे, मेरी माताएं बहनें छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे, बूढ़े लोग भी थे और मेरे एज के भी थे, मेरे से थोड़े बड़े एज के भी थे, तो वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु गए थे। लेकिन मुसलमानों की सारी रणनीति थी, उन लोगों ने पूरा तीनों तरफ से हमारी पहाड़ी थी और एक तरफ से रास्ता था, उस रास्ते को घेर लिया और वहाँ से 20-20 किलोमीटर तक दंगे कर दिए। और वहाँ पे जो आसपास में हमारे मतलब हिंदू भाई की दुकान या सोने वो शोरूम गाड़ी की सारी लूट ली मुसलमानों ने, और लमसम मंदिर का जो मेन गेट है ना, अगर आप देखोगे मंदिर का जो मेन गेट है उससे 100 मीटर दूर तक जितनी गाड़ी थी सब में आग लगा दी उन लोगों ने।
जितनी गाड़ी थी सब में, बस में, गाड़ी में, मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, देख लीजिए, ये गाड़ी जितनी भी सारी आग लगा दी। और भी उस साइड, उस साइड तो हम गए नहीं, उस साइड मुसलमान थे, हमारा एक वीर था उसमें भाई, बहुत ज़्यादा साहसी था, उसने आगे निकल के फायरिंग पे फायरिंग की, उसके पीछे हम लोग भी गए तलवार लेके, क्योंकि मेरे पास तो बंदूक था नहीं, तो हम लोग आगे गए तलवार लेके। उसके बाद तब सब भागे, नहीं तो फिर वो तो मंदिर के अंदर घुस जाते। और उसके बाद हुआ क्या कि पुलिस रेस्क्यू टीम भी नहीं आ रही थी, चार घंटे तो हम उसमें फंसे रहे, और जब 6-7 घंटे होने आ रहे थे तब पुलिस टीम धीरे धीरे आ रही थी। और हुआ क्या कि मुसलमानों ने हमको पहाड़ पे से घेर लिया, तीनों तरफ से पहाड़ पे घेर के और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। जब फायरिंग किया ना तो हमारे 2-3 लोग मारे गए मंदिर के अंदर कैंपस में। उसके बाद मंदिर के अंदर भगदड़ मच गई, और फिर इधर उधर छुपने लगे सारे श्रद्धालु, माताएं बहनें सब थी। 2 लोग को उसने मार दिया, फिर पुलिस वाले आए, बहुत लेट पुलिस वालों की हेल्प मिली हमारी, मतलब पुलिस वालों ने हमारी मदद की, लेकिन उनको जल्दी आना था लेकिन बहुत लेट आए वो। अगर यही है कि वो 1 घंटा और लेट हो जाते तो हम लोग सारे मारे जाते, इसीलिए मैं पुलिस वाले का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो मुझसे बेहतर अभी कोई नहीं देगा, क्योंकि न्यूज़ वाले जितना ही बताए, हम तो वहाँ पे रह के बता रहे हैं आपको कि वहाँ का क्या माहौल था, क्या चीज़ था। जिहादियों ने वहाँ पे, बहुत सारे जिहादी थे, वो लमसम होंगे तो 20-30 हज़ार होंगे कर रहे थे, और पहाड़ के ऊपर 3-4 हज़ार से प्लस थे, और वो नारे लगा रहे थे अल्लाह हु अकबर, पाकिस्तान के जय, और हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, मतलब ऐसे ऐसे तमाम नारे थे जो पाकिस्तानों में लगाए जाते हैं, जो PAK में लगाए जाते हैं, जो पहले वहाँ जम्मू कश्मीर में लगाए जाते थे, वैसे वैसे नारे वहाँ के लगाए जा रहे हैं। वो बिल्कुल मेवात एक छोटा पाकिस्तान हो गया है, और मैं कैसे बच के आया हूँ वो मैं जानता हूँ। मतलब समझो तलवार यहाँ थी, यहाँ गोली तो एकदम पास से निकल गई, कुछ पता ही नहीं लगा, मतलब ऐसा था कि अलग ही सीन था वहाँ के जो अगर, और हमारे हिंदू भाई 20-30 प्लस मारे गए हैं, और 200-300 लोग घायल हैं, 20-30 प्लस मारे गए हैं, 200-300 लोग घायल हैं। और उसके बाद ये अपने जो कट्टरपंथी जिहादी जो है मुसलमान हैं, ये ज़्यादा नहीं मारे गए, ये कुछ ही 2-4 मुठभेड़ में जो गए हैं 2-4 गए होंगे वो भी घायल हुए हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई, हम 200-300 लोग तो मतलब घायल है ही है, और कुछ लोग 50-60 लोग मर गए। और ये न्यूज़, ये आने नहीं वाली बाहर, ये यहीं पे दब जाएगी मैं जानता हूँ, क्योंकि दिल्ली वाला भी तो जो दंगा हुआ था उसमें भी ये न्यूज़ बाहर नहीं आई थी, वहाँ पे भी बहुत काकड़ा था, लेकिन वहाँ पे भी सारी बात दबा दी गई थी, और यहाँ पे भी सारी बात दबा दी जाएगी, क्योंकि वो तो पूरा मुसलमान का क्षेत्र है, 40-50 हज़ार मुसलमान है वहाँ पे, पूरा मेवात, पूरा मुसलमान, मतलब पाकिस्तान है पूरा, वहाँ पे अल्लाह हू अकबर के नारे लगते हैं भाई साहब। मैंने पाकिस्तान के झंडे देखे वहाँ पे, जैसे पाकिस्तान के झंडे होते ना, वैसे वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे हैं पूरे में लगे हुए, झंडे। उसके बाद मतलब ऐसा था वहाँ के जो मेवात के जो कुछ हिंदू भाई थे हमारे, उनसे भी बात की मैंने पुलिस वालों से भी बात की, मतलब ऐसा था कि अभी तो युवा खून है हम लोग, जोश था तो आगे एकदम बढ़ बढ़ के हम लोग देखते थे क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ होता था तो सबसे आगे रहने की कोशिश करते थे। फिर हम लोग को ऐसी रात में रेस्क्यू किया गया, रात में भी जब हम लोग को रेस्क्यू कर रहे थे 9-10 बजे करीब, तो हमको ना वहाँ की जो लोकल पुलिस लाइन है उसमें ले जाया गया। जब हम पुलिस लाइन में गए तो जब जा रहे थे तो रास्ते में भी जिहादियों लोग ने हम पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने फायरिंग किया और उसके बाद वो थोड़ा हट गए, फिर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी करने की कोशिश की। उसके बाद हमारी बस बीच से चल रही और दोनों साइड से पुलिस वालों की गाड़ी चल रही थी, और अगर कोई भी जिहादी, और एक बात और है, हम लोग जब जा रहे थे ना तो 12-1 बज रहे थे, और जितने भी मतलब जिहादी है ना, जिहादी या जिहादनी, मतलब उनकी जिहादनी, वो सारे रोड पे देख के मतलब हम लोग को देख रहे थे, हंस रहे थे, ताली बजा के, मतलब एकदम होता है ना जैसे कि जादू दिखाने वाला नहीं आता तो करते रहते हम लोग, हंसते रहते हैं, उस टाइप का हो रहा था, एकदम कॉमेडी शो चल रहा है वैसा कर रहे थे ये लोग, और ऐसे उंगली दिखा रहे थे, हाथ दिखा रहे थे, मिडल फिंगर दिखा रहे थे, गाली दे रहे थे, हिंदू तेरे ये है वो है, मतलब मैं ऐसी बातें मैं बता नहीं सकता, ऐसी बात हो रही थी। बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अगर और कुछ पूछना है
तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, बहुत सारी बात है। जय श्री राम।